बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं भले ही पुरुष प्रधान देश हो, लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय बोल रही हैं कि रोहिणी जी की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अपने पिताजी को किडनी दी भी नहीं दी, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि इसको सुनने के बाद तो मेरे मुंह में यही आ रहा है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या महोदय जो बोल रही है वो तुलसीदास मेहता जी की पुत्री है भी कि नहीं है, क्योंकि तुलसीदास मेहता जी की विचारधारा और जिस विचारधारा की सुहेली मेहता जी, ये बिल्कुल ही अलग है, तो जांच तो वहां भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी में गई है, ये कमर्शियल सिलेंडर वालों के संपर्क में जाके इनकी विचार भी जो है ना उतनी ही फूहड़ हो गई है, और जांच तो इस विषय पर भी होनी चाहिए कि मैडम हॉस्टल की इंचार्ज भी थी और क्या हुई, किन कारणों से कैसे ये बची है, जांच तो उसकी भी होनी चाहिए।